तो माइनक्राफ्ट मेरे पास है सिर्फ आधा हार्ट। लगता है माइनक्राफ्ट वालों को मेरे से पर्सनल दुश्मनी है। जब ही तो मुझे आधा हार्ट दे दिया, कम से कम पूरा ही हार्ट दे देते। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बट ठीक है, और ये पीछे कौन है? वेट, मेरी आंखों को क्या हुआ? लगता है ये इसी ने किया है, और मुझे दिख भी डबल रहा है। भाई ये क्या चल रहा है? माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ और मुझे दिख भी डबल रहा है। ओए ठीक कर इसे, मेरी आंखों को ठीक कर, वरना ऐसे ही पिटेगा। बट ठीक कर दे भाई, मेरी आंखें मुझे डबल डबल दिखाई दे रहा है। वो शायद सही हो गई। ओके ओके अब सही हो गया। वेट, ये मेरी आंखें बड़ी बड़ी कैसे हो गई? ये अब फिर पिटेगा। इसे अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसे सही कर, मेरी आंखों को सही कर। अबे जादू टोना कर रहा है क्या यहाँ पर बैठकर? ओके गाइस, यहाँ से मेरी आंखें दोबारा से सही हो चुकी हैं और मुझे अब दिखाई भी सही दे रहा है। मुझे सब दिखाई दे रहा है। लग रहा हूँ ना एकदम प्रो प्लेयर चश्मा लगाकर। तो मेरा मिशन है एक अंडरग्राउंड बेस बनाना, वो भी आधे हार्ट के साथ। तो चलो अपना मिशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे को वुड दिखाई दे रही है, इससे मैं बहुत सारी चीजें बना लेता हूँ। तो सबसे पहले काम करते हैं, प्लैंक्स बनाते हैं, इसके बाद क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद अब यहाँ लगाता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, थोड़ी सी स्टिक्स, और इसके बाद बनाते हैं अपनी पिकेक्स। सो यहाँ से अपना काम हो चुका है। अब मेरे को चाहिए एकदम स्टोन वाली पिकेक्स अपनी, जो है यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल उठाता हूँ। और गाइस यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। ओके वेट, ये दो विलेजर यहाँ के। ओ एक मिनट, ऊपर वेट, ये ऊपर कैसे चढ़ा? मुझे क्या भाई, हड्डी तो तेरी टूटेगी। हट निकल यहाँ से, पहली फुर्सत से निकल निकल, अबे मर जा। चलो ठीक है गाइस, यहाँ से जल्दी से चलते हैं अब आगे। वेट यार, ये विलेजर्स को हुआ क्या है? मतलब फार्म के पास 10-10 विलेजर अंदर घुसे पड़े हैं और पूरे फार्म की रेड़ मार दी है भाई इन्होंने लिटरली। तो चलो ठीक है, यहाँ से जल्दी से चलते हैं और थोड़े से पेड़ काटते हैं। मुझे अभी बहुत सारी चीजें चाहिए यार बनाने के लिए। तो थोड़ा सा खाने के लिए मैं यहाँ से बेल भी ले लेता हूँ, और अपने पास बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं अभी लगभग। अभी मेरे को चाहिए होगा बेस बनाने के लिए एक बढ़िया सी जगह। वेट, ये जगह काफी ज्यादा बड़ी लग रही है, यहीं से माइन करने स्टार्ट करते हैं। हमें अंडरग्राउंड बेस बनाना है तो नीचे तक चलते हैं, बिल्कुल अंदर की साइड में। अब यहाँ से मैं सामने की तरफ में माइन करूंगा और इस जगह को एक एक रूम सा बना दूंगा। भाई देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, मतलब अभी ये छोटा सा है बट इसके अंदर जो ना अभी मेरे को और भी तोड़ना है। सो मेरे पास अभी काफी ज्यादा चीजें हो चुकी हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल से यार सबसे पहले यहां से मैं थोड़ी सी पिकेक्स बना लेता हूं, और अपने पास बहुत सारी पिकेक्स हैं। तो मैं जो है सबसे पहले यहां से जितना भी है ना सब कुछ तोड़ देता हूं। भाई अंधेरा हो रहा है तो देख सकते हो मैंने काफी ज्यादा यहां से जो है बेस बना लिया है। अब मेरे को क्या चाहिए भाई, यहां से थोड़ी सी टॉर्च वगैरह चाहिए, यहां पर नीचे अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर की साइड में, और मेरा फूड बार भी काफी ज्यादा कम हो चुका है। तो एक काम करते हैं, क्राफ्टिंग टेबल में से सबसे पहले कुछ ब्रेड बनाते हैं। तो मेरे पास अभी काफी ज्यादा खाना है, तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से ब्रेड बना सकता हूँ। इसे यहाँ रखते हैं और वीट निकालते हैं, और वीट से बनाते हैं ब्रेड। तो अभी मैं दो ही ब्रेड बना लेता हूँ। अभी जितनी बार भी मेरे पास ये है बेल है ना भाई, मैं देखो इसका क्या करने वाला हूँ। सो मेरे को जाना है अभी ऊपर की साइड में, और अगर मैं कोबल स्टोन लगाकर ऊपर जाऊंगा तो मुझे माइन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो हे बेल होता है ना, ये जल्दी से टूट जाता है, तो इससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और जल्दी से ऊपर भी आ गए। अब मुझे जल्दी से चाहिए होगा एक बेड, जिसमें मुझे जो है भाई रात को सुबह में बदलना है। इस घर में शायद मुझे बेड मिल सकता है। तो गेट ओपन करता हूं, मैं नीचे गिर गया, रुक जाओ, गेट ओपन करते हैं और चलो अंदर। वेट ये क्या हुआ, मतलब ये कैसा मर गया भाई? यहां तो कोई भी ट्रैप नहीं था, मतलब मैं कितनी बार आ चुका हूं और मेरे को क्रीपर ने कहां से मार दिया। चलो अभी तो सोते हैं। खैर मेरा सामान जितना भी है ना अभी उधर की साइड गिरा पड़ा है। और गाइस यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वहां पर कोई क्रीपर था, ये बिल्कुल भी है भाई, बहुत ही गलत बात है। मेरा सामान यहीं पर है। वेट ये कौन है? वेट इसने तो नहीं मारा ना मुझे, बट यहां पर मेरे को लिखा हुआ था कि क्रीपर ने मारा है और इसे मुझे मारना पड़ेगा। वेट ओके मर जा। ओ वेट ये मेरे पीछे पड़ गया, अबे मेरे पीछे पड़ गया। मेरे पास आधा हार्ट है भाई, मेरे पास आधा हार्ट है। मुझे छोड़ दे भाई, सॉरी गलती हो गई। और नहीं ये जो भी हुआ बट ठीक नहीं हुआ, वो अभी भी यहीं पर ही आसपास है, मुझे उसे मारना पड़ा। वेट उसने मुझे देख लिया, ये स्पाइडर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरे पास आधा हार्ट है, मतलब हट बिल्कुल हट, पीछे हो। अबे भाग जाए यहाँ से, मारूंगा तेरे को। चलो ठीक है मर जा भाई। ओके चलो ठीक है यार, ये मर तो गई। कम से कम मेरा जितना भी सामान है ना भाई, मैं सारा लूटता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। ये विलेज जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ी पनौती है लिटरली। तो यहाँ से जल्दी, वेट ये कौन है? ओके इसके पास जो स्वॉर्ड है ना, ये मुझे चाहिए।
ये मुझे चाहिए, ये स्वॉर्ड अगर मुझे मिल जाए ना भाई मजा आ जाएंगे, जल्दी से तोड़ते हैं और स्वॉर्ड लेते हैं। वेट, मुझे कुछ तो मिला है और यहाँ से मुझे गोल्ड इंगट मिला है भाई। वेट, मतलब उसमें स्वॉर्ड मुझे नहीं दी और पता नहीं क्या चीज़ दे दी। चलो ठीक है यहाँ से नीचे चलते हैं और मेरे पास जो कोबल स्टोन है ना उससे थोड़ा से बढ़िया चीज़ें बनाते हैं। तो मैं नीचे की साइड में आ चुका हूँ और अंदर चलते हैं। वेट, ये कौन है, ये कहाँ से स्पॉन हो गया यार? यहाँ पर तो कोई स्पॉनर भी नहीं है स्केलेटन का। ओके, तो मैं अभी यहाँ से नीचे जाऊँगा तो फौरन मर जाऊँगा। मुझे कुछ, वेट तू बता मैं क्या करूँ, बता दे। चल ठीक है तू मत बता, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। यहाँ से तोड़ते हैं इवाला ब्लॉक और यहाँ से तोड़ते हैं इवाला ब्लॉक। पानी के जरिए मैं नीचे जाऊँगा क्योंकि मेरा सारा सामान नीचे है। मैं अभी नीचे नहीं जा रहा हूँ तो ये वाला ब्लॉक भी तोड़ता हूँ और एक मिनट मैं ये वाला ब्लॉक भी तोड़ता हूँ। अब मैं बिल्कुल ईजिली नीचे जा सकता हूँ और शायद वो जो स्केलेटन है ना वो अब स्पॉन होकर हट गए होंगे क्योंकि मैंने पानी बहुत सारा फेंका। वेट, दोबारा से मार दिया। और यार ये स्केलेटन पानी की वजह से मर भी नहीं रहे, ये स्केलेटन ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे सबसे पहले आर्मर बनाना पड़ेगा और दो तीन स्वॉर्ड बनानी पड़ेगी जिससे मैं इनसे फाइट कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत सारा सामान चाहिए होगा, मेरा सारा सामान नीचे गिर चुका है। तो क्राफ्टिंग टेबल भाई मैंने बना के यहाँ से अपने लिए एक पिकेक्स बना लिया है। अभी मुझे कोई बढ़िया सी बड़ी सी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर से मुझे केव दिखाई दे। वेट, सामने मुझे केव दिखाई दे रही है। इस केव में से मुझे जो है आयरन चाहिए होगा जिससे मैं अपना आर्मर बना सकता हूँ। वेट, सामने की तरफ में मुझे आयरन मिल चुका है। और एक मिनट, मैं ज्यादा ही हाइट पे से दोबारा से कूद गया। चलो ठीक है मेरा सामान यहीं पर ही है तो मैं आराम से इसे लूट के नीचे जा सकता हूँ। और मुझे जितना हो सके आयरन चाहिए होगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बनानी है। यहाँ पर अच्छा खासा आयरन है बट ये जो आयरन है ये बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बनानी है, आर्मर बनाना है, लेगिंग बनानी है और भी यार हेलमेट वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज है। सो अभी मैं जो है नीचे की साइड में आ चुका हूँ और मेरे को भर भर के आयरन मिला है। वेट, ये जगह कौन सी यार? यहाँ पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर लूट मिली ना भाई, भर के लूट मिलेगी। इस जगह का नाम भाई कुछ ना कुछ तो नाम होता है बट तुम लोग कमेंट करके बताओ इस जगह को क्या कहते हैं। सबसे पहले टॉर्च बना लेता हूँ यार, टॉर्च की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, अंधेरा बहुत हो रहा है यहाँ पर। एक यहाँ लगाते हैं और एक मिनट, ये यहाँ पर जो है ना ट्रैक बिछा हुआ है, शायद ये कोई रेलवे ट्रैक है बट ठीक है यार, यहाँ पर बस मुझे लूट मिल जाए। यहाँ पर एक चेस्ट है, इसे मैं एक बार मारता हूँ। अभी ये टूट क्यों नहीं रहा? वेट, इसमें से मुझे अच्छा खासा सामान मिला बट ये मेरे कोई काम का नहीं है। मुझे चाहिए होगा आयरन, आयरन की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि आर्मर आयरन से ही बनता है। ओके, तो चलो आगे की तरफ ढूंढने के लिए चलते हैं। वेट, यहाँ पर देखो, जहां तक मैं सही हूँ यहाँ पर आयरन भी है और यहाँ कोल भी है और गोल्ड भी है। वेट, मैं इसे लूट सकता नहीं हूँ? ये लूट क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं? इतना सारा गोल्ड और मैं आयरन देखूं यहाँ से तोड़कर तो मैं आयरन लूट पा रहा हूँ बिल्कुल इजीली। ओके, तो मैं आयरन तो नहीं लूट पा रहा हूँ और कोल वगैरह तो लूट पा रहा हूँ। वेट, यहाँ पर लैपिस लजूली भी है जिसे मैं इजीली लूट सकता हूँ बट ये जो गोल्ड है ना ये मैं लूट नहीं पा रहा हूँ। तुम लोग मुझे बताओ कि इसे यार कैसे हम लोग जो है अपने लूट कर सकते हैं इसे, क्योंकि मैंने जो काफी ज्यादा इतना सारा गोल्ड मुझे मिला ही नहीं भाई लिटरली। तो अभी चलते हैं यहाँ से, इस केव में से निकलते हैं और अभी मुझे जितना भी यहाँ से मिला आयरन उसे जो है मुझे बनाना पड़ेगा आयरन इंगट में। और वेट, ये बन नहीं रहा है, शायद मुझे इसे जो है ना फर्नेस की वजह से पिघलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक फर्नेस बनाते हैं और इसे रखते हैं इधर की साइड में। मेरे पास कोल भी बहुत सारा भाई, कोल अच्छा हुआ मैं लिया आया था। और इसे यहां रखते हैं और इसे यहां रखते हैं और अपना बनना स्टार्ट हो चुका है आयरन इंगट जिसे बहुत ही ज्यादा जरूरत है मेरे को। तो यहां से अपना जो है ना आयरन इंगट बन चुका है। वेट, ये कौन है भाई? इतने मेरे आयरन इंगट बनने हैं, थोड़ी बहुत सवारी करवा दे। ओके, और ये भी खुश हो रहा है। हाँ भाई, तेरे को खिलाऊंगा, क्या खाएगा जो बोलेगा, बर्गर पिज्जा जो। वेट, मैं कर क्या रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से बनाते हैं हेलमेट और अपना हेलमेट बन चुका है। अब मेरे को चाहिए होगा इस हेलमेट को यहाँ पर लगाना है और अब ये आर्मर बनाने के लिए मुझे थोड़े से और इंगट चाहिए होंगे। तो अपने इंगट बन चुके हैं चार, तो एक काम करता हूँ यहाँ से बूट्स बना लेता हूँ। बूट्स भी बन चुके हैं और अपना आर्मर भी बन चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। और वेट, ये सब करने के बाद सिर्फ मुझे एक पॉइंट मिला आर्मर का, मतलब मुझे कोई भी मार देगा यार इसी हिसाब से। तो और अब देखो तो अब भी मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट मिला आर्मर का, मतलब अगर मैं लड़ने भी जाऊंगा तो मैं एक ही बारी में पिट जाऊंगा और लैगिंग बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। मतलब देखो, इतना बढ़िया आर्मर मैंने इतनी मेहनत से बनाया और इसके लिए मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला है आर्मर का। अगर सिर्फ मेरे ऊपर एक तीर चलाएगा कोई तो मैं एकदम मर जाऊंगा या दो बारी में मर जाऊंगा। वेट, अब काय को ऊपर चढ़ के कूदे जा रहे हो, नीचे गिरोगे ना हड्डी टूट जाएगी, डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पर, कौन बचाएगा तुम्हें? अब देखो घर के ऊपर प्यार चल रहा है, वाओ। चलो ठीक है गाइस, यहाँ से चलते हैं और तुम भी थोड़ा ध्यान रखना मेरा, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। और चलो चलते हैं नीचे की साइड में और मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। रुक जाओ, यहाँ कोई नहीं है, वो इसको स्केलेटन चले गए। और एक मिनट, कुछ तो आवाज़ आ रही है मुझे, सामने कोई है, सामने कोई है, रुक जाओ। ये आवाज़ है अजीब सी, बहुत आवाज़ है अजीब सी है भाई। ये छोटे से बंदर भाई, मतलब
क्या यार, मतलब इन चीजों से डर रहा हूँ। रॉयल डरता नहीं है, टेंशन ना लेना, मतलब डर जाता कभी कभी, बट ठीक है यार। यहाँ पर जो है ना कोई देखा जाए तो क्रीपर आया था जिसने भाई ये पूरा का पूरा ब्लास्ट कर दिया लिटरली। वो जो स्केलेटन है ना वो भी मर गए होंगे। तो यहाँ से चलते हैं सबसे पहले ऊपर, मुझे चाहिए कुछ प्लैंक्स और भाई यहाँ से जल्दी से चाहिए एक बेड जिस पे मुझे सोना है। तो चल भाई निकल यहाँ से फुर्सत से, तेरा भाई सोने। ओके गाइस सुबह हो चुकी है, बेड उठा लेता हूँ भाई, नीचे लगाना है मेरा जो अंडरग्राउंड बेस बन रहा है ना उसके अंदर लगाऊंगा जाके बेड। अब चलते हैं, बहुत सारी वुड चाहिए होगी तो वुड इकट्ठा करते हैं यहाँ से जितनी हो सके भाई। माल पानी बढ़िया तरीके से, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ मैं जितने सारे हो सके भाई। वुड ले लिया मैंने तो मेरे पास भर भर के वुड हो चुकी है, प्लैंक्स भी भर भर के हो चुके हैं। मैं अपने अंडरग्राउंड बेस के अंदर मैं कुछ प्लैंक्स भी लगाऊंगा, तो जल्दी से चलते हैं। और वेट, नीचे की तरफ पानी है तो मैं इजिली जंप कर सकता हूँ। और वेट नहीं, अभी मैंने अपना जो है रिस्पॉन पॉइंट भी सेट नहीं किया था, मैंने वो बेड भी उठा लिया था। जनरेटिंग वर्ल्ड नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, अब न्यू वर्ल्ड जनरेट हो चुका है। अब मैं वापसी दोबारा उस जगह पर नहीं जा सकता हूँ, अगर गया भी तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा और वो विलेज विलेज सब उड़ चुका होगा। सो गाइस यार आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। और मैंने जंप पानी के अंदर की थी बट ये यहाँ पर से एक चीज आ गई जिसने मुझे पूरा का पूरा तोड़ दिया भाई, मेरे पास आधा हार्ट था। तो चलो ठीक है गाइस आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मैं इसका पार्ट टू लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम लोग पूरा अंडरग्राउंड बेस बना लेंगे शायद, अगर कुछ गलती ना हो तो। सो गाइस आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक हिंट दे देता हूँ, पीछे की साइड जो तुम्हें विलेज दिख रहा है वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। तो मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।